दोस्तों ये गलियों के बीच से कोलकाता की निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन कालीघाट मेट्रो। सही रास्ता है थोड़ा कोलकाता जहाँ अंदर से भी दर्शन करने को मिल गया। कोलकाता दर्शन दोस्तों यही जीवन है। एक पर्स मैट हो रहा हूँ और एक वोट हो रहा है जो वीडियो बना रहा है और ये दो लोग महारानी की तरह अपना घूम रहे हैं और हम लोग कोलकाता दर्शन तो असली ये लोग कर रहे हैं। हम लोग तो बस बैगेज कैरी कर रहे हैं। राजा हो उसकी औरत रानी होगी वो तो दिख ही रहा है कि आराम से टोपी पहन के मस्ती करते हुए मेट्रो तक जा रहे हैं। और कोलकाता का कुछ तो आपका आइडिया लग ही रहा होगा। देखिए पुरानी इमारत है। अरे चलो ना ये आ गए दोस्तों मेट्रो स्टेशन उतर रहे हैं। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये दक्षिणेश्वर और कवि सुभाष ट्रेनें हैं। चलिए चले कोलकाता मेट्रो भी एक बार सफ़र करके देख लें। इसीलिए इतनी पैदल हमने कष्ट दे के यात्रा करी है कि कोलकाता मेट्रो आपको दिखा सके। कर सकते हैं जहाँ भी जाना होगा। आप रूट जरूर चेक कर लीजिएगा। मुझे तो जाना है बिरला प्लैनेटोरियम तो मैंने रूट चेक कर रखा था कि कालीघाट से यहाँ से जाती है इसीलिए मैंने ले लिया। 10 रुपये लगे हैं। 4 टोकन ले लिए मैंने और ये नीले पीले इस पे लिखा है मेट्रो रेलवे। और ये चलिए और हावड़ा के निशान भी बनाए। चलिए फिर आगे बढ़ें। आ रही है ट्रेन। यहाँ पे आपका पूरा मैप बना हुआ है कहाँ से कहाँ तक मेट्रो जाती है और चांदनी चौक कहाँ पे है और ये सब प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं और लिखा हुआ है। जैसे बिरला प्लैनेटोरियम जाने के लिए हमें मैदान उतरना पड़ेगा बताया हुआ। इंडियन म्यूजियम के लिए पार्क स्ट्रीट हाईकोर्ट के लिए स्टांडे महाजीत सदन के लिए एम जी रोड जोरो सकी ठाकुर बारी गिरीश पार्क जैन टेम्पल के लिए बल्केचरिया शाही मीनार के लिए प्लांड है रविंदर सदन मैदान रविंदर सदन नेताजी भवन काली टेम्पल के लिए कालीघाट मेट्रो आएगी। मेट्रो वहाँ पर सारा लिखा है कि कहाँ एक नंबर पर कहाँ कहाँ जाती है ये आपको सब पता चलेगा। उतनी भीड़ है जितनी होनी चाहिए थी। दोस्तों मेट्रो से सफ़र करना बहुत मुश्किल है संडे के दिन में बहुत भीड़ है क्योंकि आज ऑफिस दिन नहीं है। अभी तो ये गलती से आ गए मेट्रो से नहीं जाएंगे अपने लिए बस एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे। एक्सपीरियंस हो गया कि मेट्रो का हाल हर जगह सेम है। कैसा लग रहा है मेट्रो में? अच्छा लग रहा है। कैसा लगेगा मेट्रो में इतनी भीड़ में? बाकी जगह सीट की लड़ाई रहती है और यहाँ क्या पकड़ा जाए उसी की लड़ाई है। तो पकड़ने के लिए भी दिक्कत है दोस्तों। बहुत ज़्यादा भीड़ है कभी खाली नहीं होती होगी मुझे लग नहीं रहा। दोस्तों मेट्रो का मज़ा ख़त्म। कोलकाता मेट्रो कैसा लगा? मेट्रो बिल्कुल बेकार। मज़ा नहीं आया? एक तो इतनी पब्लिक इतनी भीड़ जहाँ कहीं भी जाओ हर जगह बाप रे लोग खड़े पड़े आते हैं। इंडिया में इतने लोग सांस लेना दुभर है। बहुत भीड़ है दोस्तों। संडे के दिन 12-1 बजे का टाइम तब भी जो है आज ऑफिस ही नहीं होगा मेरे हिसाब से इसलिए भीड़ है। पता नहीं कैसा है जो भी है मज़ा नहीं आया। तो मेट्रो का अपना सफर था
का मेट्रो का सफर अपना यहीं खत्म हुआ दोस्तों, और चल रहे हैं निकलते हैं आप मेट्रो तो दिल्ली मेट्रो में बहुत बार चढ़ा हूँ बैठा हूँ पूरा, ये मम्मी को देखना था कोलकाता मेट्रो इसलिए लेके आया था उन्हें। ये दोस्तों हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं इसके लेटर से मम्मी को देखे, ये देखिए नहीं चढ़ी अभी डर लगता है हमें। बाय बाय कोलकाता मेट्रो, चलिए अब चला जाए। हम लोग मैदान पर उतरे हैं, मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम है। इसके गेट नंबर 1 से विक्टोरिया मेमोरियल और आपका बिरला प्लेनेटोरियम दोनों ही पास हैं, तो इस साइड से आप लोग एग्जिट करिएगा, लिखा भी हुआ है। दोस्तों 2 बजे का शो टाइमिंग है और लोग जो है उस दिन भी छूट गया था हम लोगों का, तो इस वजह से मैं आगे आगे जा रहा हूँ जल्दी से ताकि टिकट करा सकूँ, और ये लोग आराम से पैदल आते रहेंगे। अभी 1:40 हो रहा है, उस दिन भी जो है नहीं मिल पाया था शो, हिंदी में नहीं था बांग्ला में था, बांग्ला वाला हम लोगों को समझ नहीं आता, तो आज हिंदी के लिए स्पेशली 2 बजे आए हैं। शो टाइमिंग आपको बता ही था कब कौन सी लैंग्वेज में होता, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो दोस्तों एलीट पार्क भी है, इसको देखा जाएगा आके, ये अगर हम लोग जाने देते हैं तो डेडिकेटेड टू पुलिस कोलकाता पुलिस टीम को जा रहा है पता नहीं सबके लिए। चलते जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ छाया है दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं, तो ये हम उतरे थे मैदान मेट्रो स्टेशन से और वहाँ से पैदल चले जा रहे हैं, फिर से लाइन में लगते हैं। दोस्तों लाइन में लगा हुआ, देखते हैं टिकट मिलती है कि नहीं। लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, 280 सीट्स ही हैं, एक बार में 280 सीट्स ही होंगे बस थिएटर में। तो वो लोग आ रहे हैं, लेट हो गए हैं, देखते हैं एंट्री देते हैं कि नहीं। टिकट तो मैंने खरीद लिया, और दोस्तों टिकट का टाइम बताना, मैं टाइम जो है 2 बजे वाला हिंदी का, और शो के रुपए लगे एक जने के 120 रुपये, तो 120 रुपये में हिंदी वाला शो है। चलिए दोस्तों सबको ले आया मैं, टिकट भी ले लिए, चलते हैं शो देखने, आइए अंदर देखें क्या है। दोस्तों ये सिनेमा हॉल टाइप का, ये देखिए 280 सीटें हैं इसके अंदर, और यहीं सामने शो होगा और ऊपर, और ये देखिए पूरा राउंड में सब लोग सेंटर में ही बैठे हैं, गोल जो है इसका वो है। दोस्तों मम्मी इस शो के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मम्मी को ही देखना था ये शो, बाकी तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मम्मी के साथ गोलू को इंटरेस्ट था, वो जानना चाहता था है ना। इतना जानना चाहता था, दौड़ दौड़ के आ गया है बेचारा। दोस्तों ये गया है पता करने कि कौन सी सीट से सबसे अच्छा दिखेगा, तो ये आ गए हैं। ऊपर देखना है क्या, ऊपर देखना है तो ऊपर देखना है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कहीं भी सीट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे देखना है आपको। चलो फिर, मुझे लगा इस गुंबद को देखना है, गोल गोलाकार कर का है, इसको देखना है मुझे लगा। नमस्ते, इंडी बिरला मंदिर में आप सबका स्वागत है, थोड़ी ही देर में आपका कार्यक्रम प्रकाशन परीक्षण। नक्षत्रों का निरीक्षण करने के बाद पूर्वजों ने बनाई कुछ विशाल इमारतें जो कैलेंडर और वेदशालाओं के काम आए। इंग्लैंड में लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोन एज संभवतः अंग्रेजों की वेदशाला ही थी। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था। कैसा लगा ये शो? कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा है, बच्चों को दिखाना चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे साइंस और के नहीं समझ पाएंगे वो इसको देख के बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों शो खत्म हो गया, बहुत ही अच्छा शो था, 20 मिनट का था मात्र, लेकिन ठीक है पैसा वसूलता, एक बार तो देख ही सकते हैं, एक बार देख सकते हैं।
एक बार ज़रूर विजिट करें, देखें, अच्छा लगेगा आपको, बच्चों को सबको साइंस की थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी देख के। यही था दोस्तों पीछे जैसे लाइटिंग वाइटिंग हो रही होगी, चलिए निकला जाए, शो ख़त्म हो गया। दोस्तों निकल गए बिरला प्लेनेटोरियम से और बांग्ला में शो शुरू होने वाला, लाइन लग गई, दोबारा से भीड़ हो गई, चल निकला जाए।